एग्जाम होता है जिसमें हमारा शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है और रिटर्न भी होता है, सब कुछ होता है। पहले हम पूरे सारे रजिस्टर हम कम्प्लीट करके देते हैं, कितना कुछ लिख के देते हैं, सारा एरिया का रिकॉर्ड कम्प्लीट करके लाते हैं, सब कुछ करके लाते हैं। और ऐसे ऐसे जगहों पे भी हम जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी हम सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं है वहाँ पे। हम ऐसे ऐसे एरिया में आउटरीच करवाने जाते हैं जहाँ पे सुबह सुबह लेडीजें भी ड्रिंक कर लेती हैं, जेंट्स भी ड्रिंक कर लेते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें वहाँ आउटरीच करवाना ही करवाना है जिसमें हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर सुबह 7 बजे किसी लेडीज का फोन आ रहा है कि दीदी लेबर पेन हो रहे हैं, मेरे साथ चलो, अपने घर में नाश्ता बनाओ या ना बनाओ, लेकिन उनके साथ जाओ। शाम को हो रहा है तो शाम को उनके साथ जाओ। रात को 12 बजे 1 बजे फोन आता है, रात को 12 बजे फोन आएगा, 1 बजे फोन आएगा। अगर बाई चांस हमने फोन नहीं उठाया या नींद में नहीं पता चला तो अगले दिन वो बोलते रहे वाले, दीदी आपने तो फोन ही नहीं उठाया, आप तो आए ही नहीं। ठीक है, हमें 10 साल हो गए ये काम करते करते, हमने पहले 500 में काम किया, 1000 में काम किया, लेकिन कब तक ऐसा करेंगे, कब तक ऐसा करेंगे? 500, 1000, 1500, आज हमारे काम की लिमिटेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। जब से आशा एरिया में आई है 70% एरिया इम्यूनाइज्ड है, कम से कम किसी बच्चे की डेथ नहीं हो रही है एरिया में इतने सालों से, किसी मदर की डेथ नहीं हो रही है इतने से। इन्फेंट डेथ में और मदर डेथ में बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं सारा पोलियो एरिया बिल्कुल कवर हो चुका है, किसी बच्चे को पोलियो नहीं है आज की डेट में। तो क्या आशा वर्कर हकदार नहीं है इस चीज़ की? हम ये पूछना चाहते हैं, आशा वर्कर इस चीज़ की हकदार नहीं है?